मैंने काम वासना पर कई वीडियोस बनाए हैं। उन वीडियोस में मुझे बार बार यह कमेंट आ रहा है कि सर हम काम वासना से बाहर कैसे निकलें। देखिए, वैसे काम वासना से बाहर निकलने के बहुत से वैकल्पिक मार्ग बताए गए हैं, लेकिन इन मार्गों पर चलना हर किसी के बस की बात नहीं है। कई लोगों ने यह भी कहा कि सर जैसा कि आपने बताया कि ध्यान के मार्ग पर चलकर हम काम वासना से मुक्ति पा सकते हैं, लेकिन ये हमारा ध्यान लगता क्यों नहीं है? जब भी हम अपना ध्यान लगाने बैठते हैं यानी मेडिटेशन करने बैठते हैं तो हमारा मन चारों तरफ भागने लगता है। हम काम वासना से जितना दूर जाने लगते हैं उतना ही ज्यादा काम वासना हम पर हावी होने लगती है। कृपया कोई और मार्ग बताइए जिससे हम काम वासना से मुक्ति पा लें। देखिए, काम वासना कोई बाहरी चीज नहीं है। काम वासना प्रकृति के द्वारा दी गई एक अमूल्य धरोहर है। काम वासना प्रकृति का ही एक रूप है, या यूं कहें कि प्रकृति की एक चाल है जो बार बार हमें इसके प्रति ढकेलती रहती है। तो काम वासना से मुक्ति कैसे पाया जाए यह और ज्यादा कठिन होता चला जाता है, क्योंकि यह प्रकृति की ही चाल है तो प्रकृति जाने अनजाने हमें उसके पीछे ढकेलती रहती है। वैसे आज के दौर में हम प्रकृति से जितना दूर जाते जा रहे हैं काम वासना जैसी चीजें हम पे उतनी ही ज्यादा हावी होती जा रही हैं। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो समय पर हमारे साथ हो रही है। तो काम वासना जो इतना प्रचंड रूप हमें दिखा रही है, आज का हर व्यक्ति इस काम वासना से दूर भागना चाहता है, लेकिन वह काम वासना में और ज्यादा जकड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो आखिर समस्या कहाँ है, चलिए देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको यह सोचना होगा कि देश में अचानक बलात्कार इतने बढ़ क्यों गए हैं। लोग कहते हैं कि रेप क्यों होता है। एक 8 साल का लड़का सिनेमा घर में राजा हरिश्चंद्र फिल्म देखने गया और फिल्म से प्रेरित होकर उसने सत्य का मार्ग चुना और वो बड़ा होकर महान व्यक्तित्व से जाना गया। परंतु आज 8 साल का लड़का टीवी पर क्या देखता है? सिर्फ नंगापन और अश्लील वीडियोज और फोटो, मैगजीन में अर्धनग्न फोटो, पड़ोस में रहने वाली भाभी के छोटे कपड़े। लोग कहते हैं कि रेप का कारण बच्चों की मानसिकता है, पर वो मानसिकता आई कहां से? यह एक सोचने का विषय है। उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम खुद हैं, क्योंकि हम जॉइंट फैमिली में रहना नहीं चाहते, हम अकेले रहना पसंद करते हैं। आज के इस दौर में परिवार चलाना इतना आसान नहीं है। माता पिता दोनों को बच्चे को अकेला छोड़कर काम पर जाना होता है और बच्चे अपना अकेलापन दूर करने के लिए टीवी और इंटरनेट का सहारा लेते हैं। और जब वो इंटरनेट पर ढूंढते हैं तो उनको देखने के लिए मिलता क्या है? सिर्फ वही अश्लील वीडियोस और फोटो। तो क्या सीखेंगे? यही सब कुछ तो सीखेंगे। अगर वही बच्चा अकेला ना रहकर अपने दादा दादी के साथ रहे तो कुछ अच्छे संस्कार सीखेगा। कुछ हद तक ये भी जिम्मेदार है। पूरा देश रेप पर उबल रहा है। छोटी छोटी बच्चियों से जो दरिंदगी हो रही है उस पर सबके मन में गुस्सा है। कोई सरकार को कोस रहा है, कोई समाज को। तो कई फेमिनिस्ट सारे लड़कों को बलात्कारी घोषित कर चुकी हैं। लेकिन आप सुबह से रात तक कई बार सनी लियोन के कंडोम के ऐड देखते हैं, फिर दूसरे ऐड में रणवीर सिंह शैम्पू के ऐड में लड़की पटाने के तरीके बताते हैं। ऐसे ही क्लोजअप लिमका थम्सअप भी दिखाता है, लेकिन तब आपको गुस्सा नहीं आता। क्यों है ना? आप अपने छोटे बच्चे के साथ म्यूजिक चैनल पर सुनते हैं, दारू बदनाम कर दी, कुंडी मत खड़काओ राजा, मुन्नी बदनाम हुई, चिकनी चमेली, झंडू बाम, तेरे साथ करूंगा गंदी बात और न जाने ऐसी कितनी मूवीज के गंदे गाने सुनते हैं, तब आपको गुस्सा नहीं आता। मम्मी बच्चों के साथ स्टार प्लस पर जी टीवी, सोनी टीवी देखती हैं, जिसमें एक्टर और एक्ट्रेस सुहाग रात मनाते हैं, किस करते हैं, आंखों में आंखें डालते हैं, और तो और भाभी जी घर पर हैं, जीजा जी छत पर हैं, टप्पू के पापा और बबीता, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे की पत्नी के पीछे घूमता और लार टपकाता नजर आता है, पूरे परिवार के साथ देखते हैं। इन सब सीरियल्स को देखकर आपको कभी गुस्सा नहीं आया? आजकल की जो फिल्में बनती हैं उनमें किस, चुंबन, आलिंगन, रोमांस से लेकर गंदी कॉमेडी आदि सब कुछ दिखाई जाती है, पर आप बड़े मजे लेकर देखते हैं। इन सबको देखकर आपको कभी गुस्सा नहीं आया? खुलेआम टीवी फिल्म वाले आपके बच्चों को बलात्कारी बनाते हैं, उनके कोमल मन में जहर घोलते हैं, तब आपको कभी गुस्सा नहीं आया? क्योंकि आपको लगता है कि रेप रोकना सरकार की जिम्मेदारी है, पुलिस प्रशासन न्याय व्यवस्था की जिम्मेदारी है, लेकिन क्या समाज मीडिया की कोई जिम्मेदारी नहीं? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आड़ में कुछ भी परोस दोगे
आप तो अखबार पढ़कर न्यूज देखकर बस गुस्सा निकालेंगे, कोसेंगे सिस्टम को, सरकार को, पुलिस को, प्रशासन को, डीपी बदल लेंगे, सोशल मीडिया पे खूब हल्ला मचाएंगे, बहुत ज्यादा हुआ तो कैंडल मार्च या धरना दे लेंगे। टीवी चैनल्स, बॉलीवुड, मीडिया को कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि वो आपके मनोरंजन के साधन हैं। सच पूछिए तो टीवी चैनल्स अश्लीलता परोस रहे हैं, पाखंड परोस रहे हैं, झूठे विज्ञापन परोस रहे हैं। झूठे और सत्य से परे ज्योतिषी पाखंड से भरी कहानियां एवं मंत्र, ताबीज आदि परोस रहे हैं। अरे अभी आप तो देख ही रहे होंगे कि आश्रम जैसी सीरीज लोगों के मन में क्या फैला रही है। उनकी भी गलती नहीं है क्योंकि आप खरीदार हो। बाबा बंगाली, तांत्रिक बाबा, स्त्री, वशीकरण के जाल में खुद को फंसा रहे हो। और जब आप इन सब चीजों में फंस जाते हैं तो मार्ग ढूंढते हैं कि कैसे काम वासना से बाहर निकलें। सुबह से शाम तक आप अश्लीलता देख रहे हैं, आपके सामने अश्लीलता परोसी जा रही है और आप बात करते हैं कि काम वासना से बाहर कैसे आए। फिर आप इधर उधर ढूंढने लगते हैं कि सर हमें कोई ट्रिक बताइए जिससे हम अपनी काम वासना को काबू कर सकें। क्या इतना आसान है? क्या कोई ऐसे सीरियल या सीरीज देखकर आप अपने मन को इतनी आसानी से काबू कर लेंगे? क्या मेडिटेशन ही सिर्फ यह माध्यम रह गया है जिससे आप अपनी काम वासना को रोक पाएंगे? अरे पहले अपने अंदर से काम वासना जैसी भावनाओं को खत्म कीजिए। इस तरह की सीरीज, इस तरह के विज्ञापन को देखना बंद करिए। इन सब चीजों के खिलाफ बोलिए, तभी आप अपने अंदर की काम वासना से मुक्ति पा सकते हैं। मेरी आज की यह वीडियो हो सकता है कुछ बुद्धिजीवियों, कुछ इंटेलेक्चुअल लोगों को हर्ट कर सकती है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि काम वासना की ये सभी भावनाएं सोशल मीडिया के माध्यम से और इन विज्ञापनों के माध्यम से हमारे अंदर भर दी जाती है। फिर हम मेडिटेशन करने बैठते हैं। क्या कभी काम वासना के बारे में सोचकर आप मेडिटेशन कर सकते हैं? क्या आपके सामने जो कुछ हो रहा है आप उसको बार बार देखने के बाद भी अपने मन को एकाग्र कर पाएंगे? टेलीविजन में जैसे ही ब्रेक आता है, पहला विज्ञापन बॉडी स्प्रे का जिसमें लड़की आसमान से गिरती है, दूसरा कंडोम का, तीसरा नेहा स्वाहा स्नेहा स्वाहा वाला और चौथा प्रेगनेंसी चेक करने वाली मशीन का। जब हर विज्ञापन हर फिल्म में नारी को केवल भोग की वस्तु समझा जाए तो कैसे हम उस समाज को काम वासना जैसी चीजों से दूर रख सकते हैं? और समाज क्यों ना बलात्कारी बने? जब हम लोगों के सामने इस तरह की चीजें परोस रहे हैं तो हम उनसे उम्मीद भी क्या कर सकते हैं? देखिए, कोई हादसा एकदम से नहीं होता, इसमें समय लगता है। ऐसी चीजें शुरू से ही हमारे बच्चों के दिमाग में भर दी जाती हैं। इन सब चीजों में ये मीडिया और ये बाजारवाद ही जिम्मेदार है। आज सोशल मीडिया, इंटरनेट और फिल्मों में पोर्न परोसा जा रहा है तो बच्चे तो बलात्कारी ही बनेंगे। क्यों? ध्यान रहे, समाज और मीडिया को बदले बिना आप कितने ही कठोर कानून बना लीजिए, आप काम वासना जैसी और बलात्कार जैसी चीजों से दूर कभी नहीं हो सकते। ये घटनाएं रुकने वाली नहीं है। इंतजार कीजिए, बहुत जल्द आपको फिर कैंडल मार्च निकालने का अवसर हमारा स्वच्छंद समाज, बाजारू मीडिया और गंदगी से भरा सोशल मीडिया देने वाला है। अगर अब भी आप बदलने की शुरुआत नहीं करते हैं तो समझिए कि फिर कोई भारत की बेटी निर्भया, गीता, दिव्या, संस्कृति की तरह बर्बाद होने वाली है। और जो भी कमी इसके बाद रह जाती है वो ये बॉलीवुड की वेश्याएं पूरा कर देती हैं। तो अगर आप सच में काम वासना से मुक्ति चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आसपास के माहौल को बदलिए। जब आपका आसपास का माहौल परिवर्तित होगा तो आपका मन स्वतः ही परिवर्तित होगा। आप चाहकर भी काम वासना के बारे में सोच ही नहीं सकेंगे और आपका मेडिटेशन, ध्यान और आपकी एकाग्रता अपने आप सधने लगेगी। जब आपकी एकाग्रता सधने लगेगी तो आपको जरूरत नहीं है कि आप ये सोचें कि मुझे काम वासना से बाहर निकलना है। आपको किसी से यह पूछने की आवश्यकता नहीं होगी कि कोई ट्रिक बताइए कि काम वासना से कैसे बाहर निकला जाए। आपको किसी से यह पूछने की आवश्यकता नहीं होगी कि हम क्या करें कि एक काम वासना हम पर हावी ही ना हो पाए। काम वासना एक ऐसी चीज है जो आपको सफल होने से रोकती है, आपके हर मार्ग पर बाधक है। अगर आप काम वासना के चक्र में फंसे हुए हैं तो ना तो आप अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, ना ही किसी को अच्छी शिक्षा के लिए प्रेरित कर सकते हैं, ना तो आपका ध्यान लगेगा और ना ही आप अपने जीवन में सफल हो पाएंगे। अरे अगर आप एग्जाम्पल ही लेना चाहते हैं तो उन सफल लोगों से एग्जाम्पल लीजिए जिनका काम वासना कुछ बिगाड़ ही ना सकी, क्योंकि वो इतने दृढ़ संकल्पित थे कि उन्होंने अपने पैशन के प्रति कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। अरे काम वासना जैसी चीजें आपके मार्ग को भ्रमित करती हैं, आप उस मार्ग से दूर जाने लगते हैं जिस मार्ग पर आपको वास्तव में जाना था। तो सबसे पहले ही सोशल मीडिया
और उस टेलीविजन के इन विज्ञापनों को बंद कराइए, तभी आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं और अपनी एकाग्रता शक्ति बढ़ा सकते हैं। हो सकता है बहुत से बुद्धिजीवियों को आज का यह वीडियो पसंद ना आए। अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि यह वीडियो किसी के जीवन को बदलने में सहायक सिद्ध हो सके। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।